सब हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए हमारी इंतजार है। कौन सा दिन होएगा, कब सूरज उगेगा जो हमें इंसाफ मिलेगा? आज तक भी बेटा हम गुहार ही लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 11-11 ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਟੀਵੀ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੋ ਸਾਲੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ हम आपको ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर 1984 के दंगे होने के बाद जो पीड़ित परिवार हैं या विधवाएं हैं उनको 1986 में घर अलॉट किए गए थे, और वर्ल्ड में ये एक मात्र विधवा कॉलोनी है। 1984 के जो पीड़ित परिवार थे या फिर विधवाएं थी उनको ये घर अलॉट किए गए थे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली के तिलक नगर का इलाका है जहाँ पर ये कॉलोनी जो है वो बसी हुई है, और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनके आगे जो परिवार है वो यहाँ पर रहता है। और इस कॉलोनी के आप हालत देख सकते हैं कि इस कॉलोनी के हालत जो हैं बद से बदतर जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से 84 में ये घर बने थे वो घर बनने के बाद जो है ये अलॉट किए गए थे। और इन मकानों की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मकान की हालत जो है वो देख सकते हैं कि घर जो है वो रिपेयर इन लोगों ने खुद कराए हैं, क्योंकि इसकी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर कई सौ परिवार जो है इस कॉलोनी के अंदर जो है वो रहते हैं। लोगों ने अपने बिजनेस भी जो है काम काज, बात करें बल्लियों की दुकान है या फिर दूसरे राशन की दुकान है, अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो कर रखी है। लेकिन क्या इनको अभी जिस तरीके से 2014 में सरकार बनी उसके बाद इनको मुआवजा मिला, और किस तरीके का रहन सहन है? आप अगर बात करें कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से जी हमारे को 1986 से रह रहे हैं। तो आप काम काज कर रहे हैं यहाँ पर अपना? हाँ जी, यही हमारी बल्ली की दुकान है, ये हमारे फूफा जी की, मैं ऑटो चलाता हूँ। लेकिन मैं कॉलोनी की हालत देख रहा हूँ, जो मकान यहाँ पर बने हैं बद से बदतर हो रखी है, गंदगी यहाँ पर पड़ी है। क्या कोई सफाई कुछ नहीं होता? कोई ना जी पार्षद करता है ना एमएलए करता है, बस यही है जो लोगों ने अपना अपना बना के थोड़ा बहुत बिल्डिंग को बचा रखा, नहीं तो कभी से गिर जाती। क्या ये जो बिल्डिंग आप लोगों ने भी बनाई है, जिस तरीके से बात करें, क्या लगता है कि इसका कोई मेंटेनेंस जो है सरकार की तरफ से नहीं किया जाता? जो रह रहा है उन्होंने ही बस थोड़ी बहुत मरम्मत करके इनको गिरने से बचा रखा है बस। क्या लगता है कि क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है या क्या वजह है? और कहते हैं कि वर्ल्ड में विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली के तिलक नगर में है। हाँ जी, ये तिलक विहार में 1984 की विडो कॉलोनी एक ही है पूरे विश्व में, और ये कांग्रेस की देन है। और बाकी जो ये कार्य नहीं हो रहा जी, ये तो पार्षद और एमएलए का होना चाहिए ना, तो अब वो काम करते ही नहीं है। हम लोग वोट भी देते हैं सारे, लेकिन सरकारें बदलती हैं, कांग्रेस की सरकार, फिर उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। लगता है कि सरकारें बदलती हैं, आपके जो जख्म है उन पे मरहम लगाने का काम किया जाता है? अब कहते हैं सर करता कुछ नहीं है, आप देख ही रहे हो, आप कॉलोनी की भी हालत देख रहे हो और बेरोजगारी भी देख रहे हो नौजवानों की। अभी पीछे सुना था भी जो नौकरी जो कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां बच्चों को आई हैं, लेकिन आगे के लिए क्या हो रहा कुछ नहीं पता सर, कि अब सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिलहाल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो अभी वही है जो अपना हाथों से मेहनत करके खा रहे हैं। बाकी ऐसी सरकारों से किसी से फिलहाल आस नहीं है। क्या लगता है सरकार जब चुनाव आते हैं तब आती है, उसके बाद चली जाती है? ए महीना आता तो सब होंगे, उस तो बाद कभी किसी ने पूछा नहीं सानू कौन इतने हैगा कौन नहीं हैगा। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 11-11 ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਕੋਰਟ ਕਾ ਰੁਖ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
जिन्होंने मारिया साडिया इन्हें मारिया इन्हें बंदे मार दिते उन्होंने किसी नूं फांसी नहीं हुई ना किसी नूं सजा हुई वो भी साढ़े तो इन्हें बंदे मार दिते इन्होंने चल उम्मीद है आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा 40 साल हो गए उम्मीद कर दें कर दें अजे तक तो कोई इंसाफ मिले नहीं अगे तो पता नहीं मर जाना अद्धिया मर गई अद्धिया रह गई वह भी मर जानी क्योंकि नींदा रोंदी रही मर जाना सारे बच्चों के हालात किस तरीके से हैं बच्चों की अगर बात करें नौकरी के लिए कहा था सरकार ने कितने दी सरकार ने नौकरी बच्चे किसी ने मांग 40 साल तो होने वाले हो गए आज तक तो करी नहीं कौन सा साल ना आएगा कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री बैठेगा जो हमारी रोते हुए के आंसू पूछेगा हमारी सुनेगा हम दुखी हमारे बच्चे दुखी हमारे रिश्तेदार दुखी रिश्तेदारों में मारे गए हैं मदद देने वाला कोई नहीं छोड़ा इन्होंने हमारा दिल जानता है ना सरकार को क्या पता सरकार दूसरे देश के लिए आबादी यहाँ दिल्ली में हम जो बैठे हमारी बर्बादी हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा तो अगर हम झूठ बोलते हमारे घर की इंक्वायरी करो आके देखो हमारे बैंक तोड़ो सब कुछ करो बच्चों की इनकम पूछो क्यों नहीं आते हम बार बार कहते हैं लेकिन हमारा कोई सुनाई ही नहीं करता कुछ भी नहीं हमारे पास ये वक्त हमारी हालत बहुत खस्ता है कुछ नहीं कह सकते आजकल बच्चों के बच्ची हो गई बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे बीए कर रहे हैं कापी किताब के लिए किसको मिर्च जाके करें वो हालत हमारी बहुत खराब है सुने सरकार ने हम तो मोदी जी को भी गुहार लगाई है मिश्रा जी को भी गुहार लगाई है लेकिन कोई सुने तो सही ना कांग्रेस ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया बहुत बुरा किया हमारे साथ हमें इंसाफ चाहिए इंसाफ के लिए हमारी इंतजार है कौन सा दिन होएगा कब सूरज उगेगा जो हमें इंसाफ मिलेगा आज तक भी बेटा गुहार ही लगा रहे लेकिन कोई नहीं सुन जो श्री अकाल तख्त साहिब है उसका जो भी आदेश होता है हर सिख उसको मानता है लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक कमेटी बनाई गई थी उसके बाद उन्होंने एक पत्र जो है वो उसके माध्यम से कहा है कि आप उसमें दोषी हैं क्या आपने कोई सहायता किसी जो 1984 के जो दोषी थे या आरोपी थे उनकी कोई सहायता करने की कोशिश की आपने मेरे को वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कौन आदमी है कंप्लेन करने वाला कौन आदमी है इसमें जो मतलब जो गवाह बयान भी सही देते हैं गवाहों के कोर्ट में क्रॉस भी सही होते हैं हैं जी वकील फेलियर होते हैं आरोप हमारे पे बढ़ते हैं मेरे को यही नहीं समझ आ रही तो आप अपनी बात श्री अकाल तख्त साहिब में रखेंगे जाकर मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रखूँगा अरे मेरे पास सारा रिकॉर्ड है मैंने जो जो बयान कराए हैं वकीलों का अकाल तख्त के जथेदार को चाहिए कि हमारा भी पक्ष सुने और मैं ये चाहता हूँ कि वकीलों की 2-3 मेंबर कमेटी बनाई जाए आप कह रहे हो कमेटी बनी हमारे को तो यही नहीं पता कि अकाल तख्त ने कौन सी कमेटी बनाई है जी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।